तमाम सबूत और गवाह के बयान को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम कर्नल सिंह पर जो इल्जाम लगाया गया है वो सही है, लिहाजा यह अदालत इसे मुजरिम करार देते हुए ताजीरात हिंद जेर दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है, टू बी हैंग टिल डेथ। वकील साहब, आपने हमारे बेटे के हत्यारे कर्नल सिंह को फांसी की सजा दिलवाकर हम पर बड़ा एहसान किया है। हमने तो आपकी फीस भी नहीं दी। माँ जी, मुझे फीस की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो खुशी सिर्फ इस बात की है कि मैंने आप लोगों को इंसाफ दिलवाया। वाकई आप दानवीर हैं। अच्छा, नमस्ते। डैडी, आपको सब दानवीर क्यों कहते हैं? बेटे, दानवीर तब कहलाता है आदमी जब वो अपनी भूख प्यास भुलाकर अपनी खुशियाँ, अपना सब कुछ दूसरों को दान कर देता है। तो फिर मैं भी दानवीर हूँ। वो कैसे? क्योंकि मैं भी अपने भाई बहन को चॉकलेट देता हूँ। बेटे, आज हम तुम्हारी वजह से ये केस जीते हैं, इसलिए हम तुम्हें अपना ये लॉकेट तोहफे में देते हैं। ये लो। थैंक यू डैडी। पिताजी, बेटा, कल मुझे फांसी हो जाएगी उसका गम नहीं है मुझे, लेकिन अगर तूने उस वकील श्रीवास्तव को और उसके सारे खानदान को मौत के घाट नहीं उतारा तो मेरी आत्मा फटकती रहेगी। तुझे कसम है मेरी, उस सारे खानदान को मिटा देना। मुझे कसम है पिताजी, मैं उसके खानदान को तबाह बर्बाद कर दूंगा। शाबाश, शाबाश। क्या बात है, क्या हुआ? वकील साहब बहुत ही अच्छे आदमी थे, कल रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। हा? सादा मेरे मारने से पहले ही मर गया। सर, उसके बच्चे अभी जिंदा हैं। नहीं, बच्चों को मैं मौत नहीं, मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। तुम्हारे पिता दान किया करते थे, पैसे बांटा करते थे, नतीजा क्या निकला? कर्जा इतना बढ़ गया कि यह घर उन्हें बेचना पड़ा। अब मैंने यह घर खरीद लिया है, अब तुम कोई और रास्ता ढूंढो। ये लो तुम्हारे खर्चे के लिए। मुझे भीख नहीं चाहिए, अगर आज मैंने हाथ फैला दिए तो जिंदगी भर हाथ फैलाता रहूंगा। मुझे भिखारी नहीं बनना, मुझे अपने पिता की तरह बनना है। चलो मुन्नी। सर, ये काम तो मैंने कर दिया, उसके बच्चों को घर से बेघर कर दिया, अब मेरे लिए क्या हुक्म है सर? अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ दूर से बैठकर उनकी बर्बादी का तमाशा देखना है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वही तो कह रहा हूँ कि बच्चा बच जाएगा, इसका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2000 रुपया खर्चा आएगा। 2000 रुपये कहाँ से लाऊंगी मैं, गरीब औरत। तो बच्चा मर जाएगा। कैसे भी बचा लो साहब। नहीं नहीं, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। कहाँ से लाऊंगी साहब, मैं गरीब औरत। तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम खुद ही फैसला कर लो कि बच्चे की जिंदगी चाहिए या नहीं। डॉक्टर साहब, अगर आपको एतराज ना हो तो ये लीजिए, बच्चे को बचा लीजिए। बेटा, तू सचमुच दानवीर हो। है ये 5 रुपए कम है भैया, बाद में ले लेना 5 रुपए। हमको अभी राशन दे दो, चावल का दाना नहीं है घर के अंदर, बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये धर्मशाला नहीं है, 5 रुपए लेकर आओ, बाद में चावल ले जाना। हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ भैया। अरे भैया, दे दो ना, अगर आपको तकलीफ है तो आप दे दो इनके 5 रुपए। नहीं दूंगा, मेरी बीवी मारेगी। तो चुप रहो। सेठ जी, मेरी मजदूरी के 15 रुपए में से 5 रुपए काट कर इनको दे दीजिए। तेरे 5 रुपए इसे दे दूं? जी ठीक है, जाओ चावल ले लो। बेटा सुखी रहो।
जी विजय भैया आए थे? जी वो अभी आए थे, भगवान के दर्शन करके चले गए। सलाम चाचा। सलाम बेटा सलाम, जीते हो। चाचा भैया कहाँ है? वो आरके अस्पताल गया है एक औरत को लेकर, उसको बच्चा होने वाला था। क्यों क्या हुआ बेटा? भैया ने अभी तक खाना भी नहीं खाया। बेटा तुम आरके अस्पताल चली जाओ, तुम्हारा भैया तुम्हें वहीं मिल जाएगा। समझती थी तेरे मायके चले जाने से मुझे पता नहीं चलेगा, और तू चुपचाप अपने यार की इस नाजायज औलाद को जन्म दे देगी? ये किसी और का बच्चा नहीं है, आपका बच्चा है, हमारा बच्चा है। हरगिज नहीं हरामजादी, मैं इस बच्चे को पैदा नहीं होने दूंगा। जलील, तुझ जैसे शक्की इंसानों ने ही औरतों की जिंदगी जहर बना दी है। ए, तू कौन होता है हमारे जाती मामले में दखल देने वाला? फिकर मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, जाइए ले जाइए। विजय बेटा, दूसरों के लिए अपनी जान पे खेलना छोड़ दो बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अपने लिए जीना सीखो बेटा, और जीने के लिए खाना जरूरी है। सुधा की बच्ची तूने? क्यों भैया, माँ होती तो ऐसे ही कहती ना। हाँ ये बात तो सही है, तो माँ की बात मानो और चलो मेरे साथ। हाँ। घर क्यों? चलो ना भैया, नहीं तो मेरा तब जतन से बना खाना ठंडा हो जाएगा। चलो मेरी माँ। चलो। अरे बहना, आज तूने धंधे का कबाड़ा कर दिया। देखो भैया, जैसे पैसे कमाने का एक वक्त होता है, वैसे खाने का भी एक वक्त होता है। चुपचाप खाइए। तूने खाया? हाय भैया। आ विशाला। आइए आइए नंबर टू। नंबर टू मतलब? बिग ब्रदर नंबर वन, स्मॉल ब्रदर नंबर टू, लिटिल सिस्टर नंबर थ्री। अच्छा ठीक है खाना दे। भैया वो ट्रेनिंग के पैसे? अरे उसकी फिकर मत कर, उसका इंतजाम मैंने पहले ही कर रखा है। ये ले। थैंक यू, थैंक यू। यस। ए, ऐसे घूर के क्यों देख रही है मुझे? घर संसार, उपकार, खुददार और इन सब के इंटरवल में गद्दार देख रही हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि इन सब फिल्मों में बड़ा भाई अपने आप को मिटाकर छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर एक काबिल इंसान बनाता है, और इंटरवल में छोटा भाई बड़े भाई को ठेंगा दिखाकर निकल जाता है। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करोगे भैया? ए मुन्नी, तू अपने होश की दवा करा, ये मेरे भैया नहीं मेरे माँ बाप और भगवान भी है। जरा मुझे आईएएस का एग्जाम तो पास करने दो, फिर देखो मैं भैया के लिए क्या क्या करता हूँ। वक्त से पहले दावे ना करो छोटे भैया, वक्त दावे को पलट के वादे के काबिल भी नहीं रहने देता। भैया देखो अब तो बहुत हो गया। ए, देखो भाई इसकी इतनी टंगे मत खींचा करो, बेचारा गिर जाएगा। भैया आप जानते नहीं हो, जब तक इसकी शादी नहीं होगी, इसका दूल्हा नहीं आएगा, ये इसी तरह बकवास करती रहेगी, मेरे सर खाती रहेगी। भैया इसकी शादी करो, इसको ससुराल भेजो और इससे मेरी जान छुड़वाओ। आपने सुधा के रिश्ते की बात करवाई थी, वो लोग लड़की देखने के लिए आ रहे हैं। जी क्या है मित्र जी? अच्छा आपको भी पता लग गया मेरी शादी होने वाली है। अच्छा ये बताइए, आप ये सब मेरे बारे में कैसे जान लेते हैं? ऐसी कौन सी शक्ति है आपके पास? चल झूठे कहीं के, मुझे तो लगता है पिछले जन्म में तो जरूर मेरा भाई रहा होगा, जिस रिश्ते को इस जन्म में भी निभा रहा है ना? चाचा आओ, विजय बेटा आओ, आपकी कृपा है पूरे 250 रुपए। विजय बेटा दिन रात खून पसीना एक करके मेहनत से पैसा कमाते हो,
और शाम को आकर मेरे पास जमा कर देते हो, पर आज तो मैं पूछकर ही रहूंगा ये सब क्यों, किसके लिए? अरे चाचा, मुन्नी की शादी नहीं करनी है, तुम्हारे पास जो पैसे जमा है ना, उन्हीं से तो मुन्नी की शादी करूंगा। शाबाश बेटा शाबाश, जानते हो थोड़ा थोड़ा करके 1,09,000 रुपया जमा हो गया है। मैं तो खुदा से दुआ करता हूं कि हर घर में ऐसा बेटा पैदा हो, अपने आप को तालीम से महरूम रखकर खुद अनपढ़ रहा लेकिन भाई की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब अपना पेट काटकर बहन की शादी की तैयारी कर रहा है। बेटा एक बात मेरी भी मान ले, अपना भी ख्याल रखा कर बेटा। चाचा सब ठीक हो जाएगा, मेरी चिंता मत कर। या अल्लाह, तू ही निगेबान है इसका। मैडम आपने क्या बढ़िया शॉट दिया है, गुड। थैंक यू। इस एड फिल्म को देखकर औरतें यही चाकू खरीदेंगी। थैंक यू। सब एक 100 रुपए देंगे? नहीं है भाई साहब जी, 50 रुपए देंगे? हमारे पास पैसे नहीं है। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अगर तू नहीं देगी तो दूसरों से ही मांगना पड़ेगा ना। मैं पैसे दूं ताकि आप शराब पी जाएं? अरे शराब पी रहा हूँ, कुछ चोरी थोड़ी कर रहा हूँ मैं। आपको आपको शर्म नहीं आती? नहीं आती, तेरे को आती है तो पैसे दे 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 ना। लानत है। मेरी प्यारी बेटी, भगवान सबको ऐसी बेटी दे। अरे कोई ऑटो और टैक्सी भी नहीं है। मिसेस ब्यूटीफुल, भगवान ने यह जिस्म सिर्फ सजने संवारने के लिए नहीं दिया है, बच्चा पैदा किया है तो उसकी हिफाजत करना भी सीखो। एक माँ तो बच्चे को सीने से लगा कर रखती है, और तुम देखिए मेरी कुछ देखना भगना नहीं है। मैं सब कुछ देख चुका हूं और तुम तो ए टू जेड तक भोग चुकी हो। और यह बेचारा, अरे इसने तो अभी तक अपने पैरों पर ठीक से चलना भी नहीं सिखा है, और तुमने इसे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। देखिए मेरी बात तो सुनिए। कोई बात नहीं सुननी, अब तुम मेरी बात सुनो। अरे पहाड़ भी धरती पर बोझ नहीं लगता, पेड़ों को फल बोझ नहीं लगता, और एक माँ को अपनी औलाद का भी बोझ लग नहीं सकती और लगनी भी नहीं चाहिए। बाबूजी, बाबूजी, आपने सही वक्त पर आकर मेरे बच्चे की जान बचा ली। आप इंसान नहीं भगवान हैं, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ए मिस्टर, मैं तुम्हें एक बच्चे की माँ जैसी दिख रही हूँ? नहीं नहीं, मैं और मैं जिंदगी में ए टू जेड तक सब भोग चुकी हूँ। नहीं मैं मतलब बहुत हीरो बन रहे थे। वाह 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 वाह, क्या डायलॉग मारा है। धरती को पहाड़ बोझ नहीं लगता और पेड़ को फल बोझ नहीं लगते। नहीं नहीं, मैं कुछ मिसाल लगी। मैं एक कुंवारी लड़की हूँ और तुमने मुझे एक बच्चे की माँ बना दिया। आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं। इसका मतलब अभी तक आप बच्चे की माँ नहीं बनी? नहीं। अच्छा अच्छा। ए मिस्टर, यू जख्म पर नमक रगड़ना मेरी पुरानी आदत है, नहीं समझे? अरे भाई, जिस तरह हर आदमी का अपना एक स्टाइल होता है वैसे ही मेरा एक स्कूल है। मेरे ही स्कूल से पास होकर नटवर लाल और आज दुनिया में नाम कमा रहे हैं। तुम्हें भी अगर मेरे स्कूल में भर्ती होना है तो मेरे ऑफिस में आओ, और सुनो आइंदा इस घर पे दोबारा कभी फोन मत करना, समझे? नायक नहीं खलनायक हूं मैं, नायक नहीं खलनायक
नॉट अगेन नॉट अगेन। दुखदायक हूँ मैं। और चुप कर बकवास बनकर, पहले किसी लायक तो बन फिर खलनायक बनना। आप मुझे खलनायक नहीं नालायक समझते हैं, नालायक वो तो तू है ही। असल में तो ये बात है, मैं अपने बड़े भाई के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। अच्छा? अगर मैंने खलना एक इंस्टीट्यूट खोल दी ना, तो तुम्हारा वो टुच्चा टपोरी स्कूल बंद हो जाएगा और तुमको पान मेड़े का दुकान खोलना पड़ेगा, नहीं तो जू में जाके चने बेचने पड़ेंगे। अच्छा? आप मुझे ऐसा वैसा मत समझिए, मैं बहुत तेज हूँ। मेरी तेजी सिर्फ हॉलीवुड वालों की समझ में आ गई और उन्होंने स्पीड पिक्चर बनाई। जानता हूँ जानता हूँ तू कितना तेज है, मुझसे बेहतर तुम्हें और कोई नहीं जानता। याद है तुमने एक दफा रेस में हिस्सा लिया था, अकेला था तू, फिर भी तू तीसरे नंबर पर आया था, तीसरे नंबर पर। देखो आप मेरी बेइज्जती मत करना, मेरे इमेज को धक्का लग जाएगा। ए कहाँ जा रहे हो? बेबी जी को कपड़े देने। मुझे दो, अपनी लाडली बेटी को मैं खुद अपने हाथों से दूंगा। तुम जाओ बिटिया। हाँ पापा। अरे बिटिया रानी, अरे मैं ये क्या, तुमने कितने ओल्ड फैशन का ड्रेस पहन रखा है। ये देख मैंने तेरे लिए इम्पोर्टेड लेटेस्ट डिजाइन का ड्रेस मंगवाया है, जाओ इसे पहन ले। नहीं पापा, मुझे यही पसंद है। हा? तुझे यही पसंद है? तो ठीक है बिटिया, तो मुझे भी यही पसंद है। अरे ये क्या ये क्या ये क्या, तूने हाथों में मेहंदी लगा रखी है? छी छी छी, अच्छा नहीं लगता, दुलवा डाली से। हाँ नहीं पापा, मुझे ये बहुत पसंद है। तुझे ये बहुत पसंद है? तो ठीक है, मुझे भी ये बहुत पसंद है। अरे तेरा स्कूल ही तो मेरा स्कूल है बिटिया। बेबी जी, बेबी जी। अरे बाप रे बेबी जी, अबे क्यों चिल्ला चिल्ला के हमारे कान के पर्दे फाड़ता रहता है? बेबी जी, आपके कॉलेज आने के लिए गाड़ी तैयार है। अबे उल्लू के पट्टे, बचपन में तूने क्या लाउड स्पीकर लेकर लिया था जो हमेशा चिल्लाता ही रहता है? अरे कितनी बार तुझसे कहा है ये गांव नहीं शहर है, शहर यहाँ धीरे से बोला कर, धीरे से, लेकिन तू है कि अपना स्कूल ही नहीं बदलता। ठीक है जी। फिर वही, अरे तेरी ये चिल्लाहट एक दिन मेरे दिल की धड़कन बंद कर देगी। देख बेटा क्या है? पासा, पासा। क्या है? जो कुछ भी तुझे कहना हो मेरे कान में धीरे से, जो मुझे सुनाई थे इतनी जोर से, मैं तेरी 500 रुपया पकार बढ़ा दूंगा। बस इतनी जोर से कहा कर, मेरा काम बन जाया करेगा। ऐसा ही करूंगा। शाबाश बेटा, जैसे मैंने कहा है, मुझे स्कूल बदलने वाला इंसान बहुत पसंद है। अब तू जा, अब तू जा। ऐसा ही करूंगा पापा। हाँ बिटिया। मेरे कॉलेज का वक्त हो गया। हाँ चल चल। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ, मैं पागल। पता नहीं मेरे बेटे के साथ जो भी काम करता है पागल क्यों हो जाता है, लगता है मेरा बेटा पागलों का स्कूल चलाता है। अरे मुझे पता है, पागल हो गया। जिस नौकर को अपने मालिक के साथ अच्छा बर्ताव करना नहीं आता उसका यही हाल हो जाता, पागल हो जाता, पागल हो गया, गया। ए, तुम कौन हो? सर आई एम दासू, आपके बेटे का नया सेक्रेटरी कम दोस्त कम नौकर कम बावर्ची कम मालिक, मतलब ऑल इन ऑल वन। तो अब तुम्हारी बारी है। मेरे मतलब है कि देखता हूँ तुम कितने दिन टिके रहते हो। कितने दिन? अरे All the best, all the best. Thank you, sir. Thank you. Chal Dasu, meet your new bossu. Thank you, sir. Oh, लगता है मेरा बॉस डांस की प्रैक्टिस कर रहा है, तो जैसा बॉस वैसा दास। अरे बाप रे, इसका तो इंट्रोडक्शन ही कमाल है, ये तो कोई बहुत खास चीज लगती है। जिस म्यूजिक पर पत्थर भी डांस करने लगते हैं उस म्यूजिक पर ये पूजा कर रहा है। अबे उल्लू के पट्टे दास, तुझे इन सबसे क्या करना। अबे मालिक तो अलग अलग किस्म के होते हैं, अब जैसा मालिक हो नौकर को भी वैसा ही बन जाना चाहिए, इसको उनके रंग में रंग देना चाहिए। Thank you.
वन इन ऑल, खासम खास आपका दस। वन इन ऑल तो दस तुम हो। तो काम पे लग गए। लग गया, लग गया। नाइस, वेरी नॉटी, वेरी नॉटी। यस नॉटी, कंट्रोल दास कंट्रोल। आई लव यू चित्रा, आई लव यू चित्रा, आई लव यू। ऐसा है तेरा प्यार चीखने चिल्लाने वाला, सत्यानाश हो तेरे प्यार। दासु। यस बॉसु। एक काम करो। आप फरमाइए सर। आज का अखबार लेकर आओ। आज का अखबार? यस सर। इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस लाया सर। इंडियन एक्सप्रेस लाने को कहा है, लगता है मुझसे कुछ पढ़वाएगा। अरे वाह, ये रहा इंडियन एक्सप्रेस। ले आया सर इंडियन एक्सप्रेस। बैठो। बैठू? ओ यस सर। पढ़ू? नहीं, फाड़ो। फाड़ू? तुमने ठीक सुना, अखबार को फाड़ो। यस सर, फाड़ो। फाड़ा। और छोटा। और छोटा। और छोटा। और छोटा। छोटा। और फाड़ो। दुनिया में इससे ज्यादा और कोई नहीं फाड़ सकता सर। वेरी गुड। अब इसको जोड़ो। क्या? शाम को आके मैं यही अखबार पढ़ूंगा। इसको जोड़ो, शाम को आकर ये अखबार पढ़ेगा। कंट्रोल दासू, कंट्रोल तू। देखिए मैडम, ये कराटे स्कूल का विज्ञापन है। ये लड़का आपको रेप करने की ट्राई करेगा। आपने कराटे स्टाइल में इसको मारना है। फाइनली मैं कैमरा पैन करके स्कूल के बोर्ड पर ले जाऊंगा। ओके ओके, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। हाउ यू फील? अरे मजा आ गया सर। ओके ओके, रेडी क्लैपिंग। 15 by 2 take 1। मेरा नाम है रे बिल्ला, तुझे नहीं छोड़ूंगा, रेप करूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, रेप करूंगा, मेरी माँ, कल तो मुझे शादी के लिए लड़की देखने जाना है। पूरे शरीर पर तो पट्टी बंधी है, अब वो लड़की मुझे कैसे देखेगी? मेरी शादी कैसे होगी भगवान? वो सचमुच मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा कैसे समझ लिया तुमने? और अगर वो ऐसी हरकत कर भी रहा था तो तुम्हें इससे क्या? अगर वो तुम्हारी इज्जत का सिग्नल तोड़ देता ना, तुम्हारी जिंदगी बस स्टॉप बनकर खड़ी हो जाती। यही सोचकर मैंने उसे मारा। बोलो मैंने कोई बुरा किया? तुम अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हो क्या? अरे मैडम, तुमने हमारी हीरोगिरी देखी कहाँ है? मैं कोई डुप्लीकेट वाला हीरो नहीं हूँ, सर्टिफिकेट वाला हीरो हूँ। 2 सेकंड के अंदर फुल टू फटाक करके मीटर गिराता हूँ और गाड़ी आगे बढ़ाता हूँ। तुम्हारी इसी हीरोगिरी के कारण मेरी शूटिंग का सत्यानाश हो गया और वो बेचारा आर्टिस्ट वहाँ घायल पड़ा है। अरे भाई, उसी गलती के लिए माफी मांगने आया हूँ। चलो, बहुत बड़ा एहसान करने आया उस पर। चलो जरा अपना पैर तो उठाइए। डॉक्टर, मैं 1 सेंटीमीटर भी नहीं हिल सकता। ऐसे कैसे चलेगा, कोशिश तो कीजिए। नहीं, मुझसे नहीं हो सकता। अरे बाप रे, ये तो वही है, ये तो यही आ रहा है। अरे ये फिर मारेगा। अरे अरे बिल्ला बेटे, मेरी बात तो सुनिए। बिल्ला बेटे, ये फिर मारेगा। आपको हंसी आ रही है? उस बेचारे के हाथ पैर तोड़कर आप हंस रहे हैं? आपको पता है, ये बेचारा अपनी शादी के लिए कल लड़की देखने जाने वाला था। अब होने वाली दुल्हन को देखना तो दूर, खुद अपनी शक्ल भी दिखा नहीं सकेगा। दुल्हन? अरे मैं तो भूल ही गया। क्या आपको भी दुल्हन देखने जाना था? नहीं नहीं, दुल्हन नहीं, पंडित के पास जाना है अपनी बहन के रिश्ते के लिए। अच्छा जी, नमस्कार। अरे
नमस्कार नमस्कार। सलाम वालेकुम बेटा, आ गया तू। देखो भैया कहाँ है। अरे भाई अपने समधी के साथ कमरे में प्यार मोहब्बत की बातचीत कर रहे होंगे। अच्छा अच्छा, आ बेटा आ बैठ। रघुवीर जी, दहेज का 1,00,000 रुपया कहाँ है? कुंदन लाल जी, पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। मैं आपसे वादा करता हूँ, 1 महीने के अंदर मैं आपके पूरे रुपए दे दूंगा। तो शादी भी 1 महीने बाद होगी। मैं अपनी इज्जत आपके पाँव में रखता हूँ, ऐसा गजब मत कीजिए। बारात वापस चली गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी इज्जत आपके हाथ में है, मुझ पर दया कीजिए। अरे आपको 1,00,000 रुपया चाहिए ना? क्यों, आप देंगे क्या? जी नहीं, मैं नहीं, रघु भैया देंगे। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि अपनी इज्जत हर किसी के पांव पर डालते फिरे। चाचा। हाँ बेटा। अब फौरन वो 1,00,000 रुपया लेकर आइए जो मैंने आपके पास जमा किया है। पर बेटा, वो तो तुम्हारी बहन सुधा की शादी के लिए। सीता भी तो मेरी बहन है। विजय जाइए। विजय बेटा, आज तक मैं ये समझता था कि दानवीर वो होता है जो गरीबों को पैसे बांटता है, पर असली दानवीर तो तू है बेटा, जो अपने मुंह का निवाला भी औरों को बांट देता है। आफरीन, सदा आफरीन है बेटा। मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। याद है ना? हाँ यार। ये रेप सीन शुरू होते ही हम उसे रूम के अंदर ले जाएंगे और सचमुच का रेप करेंगे। ओके। लोग समझेंगे शूटिंग चल रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मैडम, रेडी? या रेडी। अभी जो सीन करने वाले हैं ना, वो रेप सीन का शॉट है। फिर रेप सीन? हाँ, ये जूडो स्कूल का एडवर्टाइजमेंट है ना। ओके। प्लान याद है ना? हाँ। मुझे हाथ नहीं लगाना। हाथ नहीं बेबी, तुझे गले लगाऊंगा, दिल में बिठाऊंगा, अपना बनाऊंगा। तुम सिर्फ एक्टिंग करो, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। एक्टिंग नहीं, आज मैं सचमुच का रेप करूंगा। अरे हेल्प, कोई है? बचाओ। अरे आप लोग भी क्या रहे, बचाइए ना मुझे इन गुंडों से। अरे वाह, ऐसी एक्टिंग कर रही है माधुरी दीक्षित भी कुछ नहीं है, है ना? अरे क्या धांसू एक्टिंग है यार। ये एक्टिंग नहीं कर रहा, एक्टिंग के बहाने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। प्लीज आप मुझे बचाइए ना। हाँ मैं जानता हूँ ये टीवी शूटिंग है। अरे उस दिन तुम्हारे चिल्लाने की एक्टिंग देखकर मैं तो सचमुच समझ गया था कि तुम्हारा रेप हो रहा है, और मैंने उस बेचारे एक्टर की धुलाई कर दी। अरे जाओ भाई, ले जाओ भाई, ले जाओ। अरे छोड़ो, मैं बस कंडक्टर थोड़ी हूँ, मैं तो शूटिंग देख रहा हूँ। प्लीज मुझे कुछ मत कीजिए, नहीं मुझे छोड़ दीजिए। We'll be right back.
मेरा दिल किसने चुरा लिया, चाहत का रोग भला किसने लगा दिया, मेरी जान तेरा दिल किसने चुरा लिया, चाहत का रोग भला किसने लगा दिया, किसने चुरा लिया, चाहत का रोग भला किसने लगा दिया, मेरी जान तेरा दिल किसने चुरा लिया, चाहत का रोग भला किसने लगा दिया, हाल ये मेरा जिसने किया, जिसने चुराया मेरा जिया, मेरी दीवानी वो दिल रुबा, कैसे बताऊं लगी को अनाड़ी है जाने ना। हम ड्राइविंग कर रहे हैं, चुप। बस लेफ्ट लेफ्ट, बस राइट, थोड़ा राइट। बस डेट 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 ब्रेक ब्रेक। Dasu, control, control your position, control.
हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत मेरी महबूबा की कमर में हाथ डालता है, है? उतर नीचे, उतर 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 साले जाड़िए, उतर उतर नीचे। ओह, ये पागल क्या कर रहा है? तुमने उसे कहा क्यों नहीं कि तुम मेरी हो? I love you चित्रा, I love you। तुम लोग सब कान खोल कर सुन लो, चित्रा तुम लोगों की बहन हो सकती है, बीवी नहीं। बीवी वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। पागलपन कर रहा है ये, देखिए ना। हाँ हाँ, ये बापू आए। बीमा नीचे आ जा। बदकिस्मती से तेरा बापू। और सुनो, अगर मेरी चित्रा पे लाइन मारने की कोशिश की ना तो ठीक नहीं होगा। अरे बेटा, मैं तो तेरी लाइन साफ करने आया हूँ, तेरी और चित्रा की शादी की लाइन। आ जा बेटा, आ जा नीचे, आ जा। वादा? हाँ हाँ, वादा 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 वादा। आया आया। बासु? यस बासु। अपनी मैडम की तस्वीर उखाड़ के घर ले आना, वरना हर आता जाता आंख मारेगा। यस बॉस, यस बॉस। हाँ चल। हे भगवान, कौन सी मनहूस घड़ी में तूने ये नमूना पैदा किया? हाँ खिलो मत, वहाँ शादी वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। करने दो इंतजार। मेरी सहेली ना शिका, उसकी मम्मी उसकी छोटी बनाते, अगर मेरी मम्मी होते तो मेरी भी छोटी बना देते। मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, आज से मैं ही तेरी छोटी बनाया करूँगा। तू मुझे ही अपना भाई समझ और मुझे ही अपनी माँ। देख, अपने होने वाले सास ससुर के सामने सिर झुकाकर बैठना, शादी के मंडप में आंखें नीचे करके, और शादी के बाद सुहागन की तरह घर की चार दीवारी में रहना। भैया, वो लोग सुधा को जल्दी लाने को कह रहे हैं। हाँ। कैसे हो अनिल? नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, एक टू इन वन खरीद दीजिएगा, मेरा बेटा गाना सुन सुन कर सिखा देगा। खरीद दूंगा। कथक वगैरह कुछ सीखा है बेटी? जी वो क्या है कि दो वक्त की रोटी जुटाने में इतना वक्त लग गया कि बहन को कथक सिखाने का मौका ही नहीं मिला, यही कहना चाहते हैं ना आप? कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, एक वीसीआर और एक कलर टेलीविजन खरीद दीजिए, हमारा बेटा डांस देखकर आपकी बहन को डांस करना सिखा देगा। जी खरीद दूंगा। ये हुई ना बात। हमें आपकी बहन पसंद है। और बहन के लिए अपनी जान भी दे देने वाला आपका गुण वाकई हमें बहुत पसंद है। वो तो ठीक है, मगर बेटे अनिल को जरा अपना घर दिखा दो। जाओ। कहिए। देखिए ऐसा है भाई के अगर आप 3 लाख रुपए कैश दें तो ये शादी पक्की समझिए। जी जी। जी ठीक है, अपनी बहन की खुशी के लिए आप लोगों की सारी मांगें पूरी कर दूंगा। अरे बेटे अनिल। अच्छा मैं चलता हूँ। चलो बेटे चलते हैं। चलिए। अच्छा भाई नमस्कार। नमस्ते। चलो शांति। अच्छा नमस्ते। भैया इतने सारे पैसे? मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, आपको जो कुछ कहना है बाद में कहिए, पहले मेरी बात सुनिए। बड़े अरसे से दिली ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की शादी आपके भाई विशाल से हो जाए, जो आईएएस की ट्रेनिंग कर रहा है। क्या ख्याल है आपका? जी मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भाई इतना खुशकिस्मत है। खुशकिस्मत आपका भाई नहीं, खुशकिस्मत तो मेरी बेटी है जो आपने फौरन हाँ कर दी। लेकिन एक बार अपने भाई से जरूर पूछ लीजिएगा,
इसकी कोई जरूरत नहीं है सर जी, मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। वो अपना सर कटा देगा लेकिन मेरी जुबान कभी नहीं कटने देगा। तो फिर देर किस बात की है, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं। ठीक है सर जी, अच्छा मैं अब चलता हूँ। अरे ये क्या, आपने तो कहा था कि आपको मुझसे कुछ काम है, काम बताए बगैर ही चल दिए। जी जिस काम के लिए आया था वो आप बता नहीं सकता, आपको मेरी ईमानदारी पर शक हो जाएगा। विजय अब हम सिर्फ दोस्त ही नहीं रिश्तेदार हो गए हैं, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं समझूंगा कि। जी जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो यह है कि मेरी बहन की शादी तय हो गई है। अरे भाई ये तो खुशी की बात है। जी और उस शादी के खर्च के लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए जो मैं आपसे कर्ज मांगने आया था। लेकिन समझ गया, तुम इस बात से डर रहे हो कि मैं ये ना समझ बैठूं कि तुम कर्ज नहीं अपने भाई के लिए दहेज मांग रहे हो। देखो विजय, ये मेरी जायदाद, ये दौलत, सब कुछ मेरी इकलौती बेटी की है। मेरी बेटी की दौलत यानी कि तुम्हारे भाई की दौलत, अपनी ही तिजोरी से पैसे लेना कोई चोरी तो है नहीं। ठहरो मैं अभी आता हूं। विशाल, ओ विशाल, अरे विशाल कहाँ है? छोटे भैया आपका इंतजार करके ट्रेनिंग कैंप के लिए निकल गए, अब तक तो रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए होंगे। अरे रे रे रे, मैं उसे खुशखबरी देना चाहता था। ठीक है आने के बाद दे देंगे, इसे संभाल कर रख। अच्छा सुधा, कहाँ जा रही हो? घर। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं मैं चली जाऊंगी। अरे बाबा तुम्हारे पांव थक जाएंगे, मैं तुम्हें स्कूटर पर छोड़ दूंगा। शादी से पहले लोग देख रहे हैं ना? लोग तो अभी भी देख रहे हैं और ऐसे भी सब जानते हैं कि हम दोनों शादी करने वाले। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पकड़ लो मुझे नहीं तो गिर जाओगी। नहीं ठीक है।
दुनिया जो चले तो चले, हम तुमको चाहेंगे, दुनिया जो चले तो चले, आने भी दे बाहों में, आने भी दे जाने भी दे, लोगों को जाने भी दे, क्या करें दिल रुबा दिल पे बस ना चले भैया। अरे विशाल, ओ भैया भैया, तू एकदम सही वक्त पर आ गया। भैया मैं तो वक्त चुनकर आया था, लेकिन यहाँ के देख रहा हूँ कि आप लोग सारी तैयारी कर चुके हैं। यू टू गुड भैया, मुन्नी और मैं आपके पांव धोकर पीते रहना सारी जिंदगी, फिर भी आपका ऐसा नहीं चुका सकते। अरे नहीं नहीं। अरे हाँ भैया, बचपन से लेकर आज तक आपने कभी हमें किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। इतने प्यार से पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, हमें कभी अपने माँ बाप की कमी नहीं महसूस हुई। और आज देखिए आप मुन्नी की शादी भी करवा रहे हैं। मुन्नी की शादी मैं नहीं तू करवा रहा है। हाँ? मैं कैसे करवा रहा हूं? विशाल, मैंने तेरी भी शादी तय कर दी है, और ये शादी मैं तेरे होने वाले ससुर के दिए हुए पैसों से ही करवा रहा हूं। मेरी शादी? मुझसे पूछे बगैर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया आपने? विशाल, सॉरी भैया, मैं ये शादी नहीं कर सकता। आप फौरन इस रिश्ते को ना कर दीजिए। अरे नहीं भाई, मैं लक्ष्मी नारायण जी को जबान दे चुका हूँ। जबान दे चुके हैं या मुझे बेच चुके हैं? अरे नहीं भाई, मैंने बेचा नहीं, मैंने सुधा के लिए खुशियां खरीदी है। तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच कि तेरे ना कहने से सुधा का घर बसने से उजड़ ना जाए। लेकिन भैया, इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार मुझसे पूछा तो होता। नरखोरदार, क्या पूछता तुमसे? क्या पूछता? ये कहता कि हमारा बाप मर गया है, हम दोनों यतीम हो गए हैं, तुम्हें गली में सड़ने के लिए कहीं फेंक दूं या तेरी देखभाल करूं? तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए पूछता? अरे तुझसे ये पूछता कि तुझे यूं पाल पोस कर इस काबिल बना दूं कि तुम उससे सवाल जवाब करे? चाचा, तुझे शर्म नहीं आई? ना शुक्रे एहसान फरामोश। चाचा, यह हरकत करने से पहले तेरी जबान कट क्यों नहीं गई? रहमत मियां, आप कौन होते हमारे बीच में दखल देने वाले? आपका और हमारा तो कोई रिश्ता तक नहीं। मेरे अजीज, तू जैसे इंसान के साथ रिश्ता मेरा हो भी क्या सकता है? जो अपने फरिश्ते जैसे बड़े भाई को अपना बड़ा भाई ना समझे, वो मेरा क्या होगा? क्यों बेटा, अब याद आई मेरी बात? हजार बार कहता था कि बेटा अपनी कुछ सोच, अपनी भी कुछ सोच, पर तूने एक बार नहीं सुनी। अब भुगत तू। भैया, आप लक्ष्मी नारायण जी से कह दो कि मैं उनकी बेटी के साथ शादी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं। हाँ हाँ, जरूर कीजिए, जिससे जी चाहे शादी कीजिए, लेकिन उससे पहले मेरे 5 लाख रुपए लौटा दो। सर जी, वो रकम मैंने लड़के वालों को दे दी है, आपकी रकम मैं जल्द ही लौटा दूंगा। ये सब नहीं चलेगा विजय, अगर तुम मेरी रकम फौरन नहीं लौटाते तो मैं खुद जाकर लड़के वालों से मांग लूंगा। तुम दोनों ने मिलकर अच्छा नाटक किया, सोचा भाई की शादी का ढोंग करके पहले पैसे ऐंठ लेंगे, बाद में ठेंगा दिखा देंगे। अपनी जबान को लगाम दीजिए लक्ष्मी नारायण जी। इतना गुरूर है तो मेरे पैसे लौटा दो। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपके पैसे मिल जाएंगे, आप जा सकते हैं। सर जी, मुझे 5 लाख रुपया चाहिए। 5 लाख? हाँ सर जी, आप चाहे तो मेरी रोजी रोटी ये ऑटो गिरवी रख सकते हैं। पर भाया, तेरे रोजी रोटी पर कुल 25,000 ही मिल सके। सर जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी बहन की शादी है। पर भाया, इतनी बड़ी रकम दूं किस चीज पे? अस्सलाम वालेकुम सेठ जी। आओ भाइयों, आओ आओ आओ, आ जाओ, जरा बाहर तशरीफ लाइए और देखिए। सेठ जी, ये सब रिक्शे हाजिर हैं गिरवी रखने के लिए। अब तो हमारे विजय को रकम मिल जाएगी ना, अगर कम पड़ेंगे तो और पेश कर देंगे। हम अपने विजय के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आया, जिसके इतने सारे चाहने वाले हो उसे मैं तो के भगवान भी मना कहीं ना कर सके। मने तेरे होते ऑटो गिरवी रखने की जरूरत कहीं नहीं। मने खरे आदमी और खोटे सिक्के की बड़ी पहचान है, मैं पैसा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अच्छा मिट्टू चलती हूँ मैं, मेरा एक काम करेगा, मेरे जाने के बाद खूब नाचना खेलना घूमना गाना, ताकि विजय और विशाल भैया को मेरी कमी कभी महसूस ना हो। बेटी दाहिना पांव अंदर रखकर गृह प्रवेश करो। शांति, हमारी बहू साक्षात लक्ष्मी जैसी दिख रही है। सर, अरे आइए आइए वकील साहब। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या बहू ने आपके घर में कदम क्या रखा? 20 साल से जो केस आप लड़ रहे थे, हाँ हाँ। आज वो केस जीत गए। एक करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिली है आपको। अरे थैंक यू वकील साहब, मुबारक हो। सी यू लेटर, बाय। ये क्या शांति, ऐसे खुशी के मौके पर खुश होने के बजाय तुम्हारा चेहरा क्यों बदल गया? बहू को अनिल से अलग करना होगा। क्या शांति, बहू के घर में कदम रखते ही 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई और तुम बहू को अलग करने की बात कर रही हो? उसकी वजह से नहीं मिली, ये हमारी किस्मत है। अगर ये हमारी बहू नहीं बनती तो हमारे बेटे को दहेज में 25 लाख रुपया ज्यादा मिलता। वो तो ठीक है शांति, लेकिन देखो जो कुछ होना था वो तो हो गया। नहीं, अभी बाकी है। क्या? इस शादी को बर्बाद करना है और बहू को तलाक दिलाना है। तलाक? शादी तो कल ही हुई है और आज ही तलाक? कानून ये नहीं मानेगा। अगर गैस लीक होने से बहू मर जाए समझो, तब तो कानून मानेगा ना। या फिर पैर फिसल के कुएं में डूब के मर जाए, तब तो कानून मानेगा ना। या तो बिजली के शॉक से बहू मर जाए, तब तो कानून मानेगा ना। हाँ। नहीं मानेगा, बल्कि कानून ये समझेगा कि बहू के हत्यारे आप खुद हैं और ऊपर से कानून आपको मुजरिम समझकर फांसी की सजा भी दे सकता है। वो हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम पर कोई इल्जाम ना आए और हमारे बेटे की दूसरी शादी भी हो जाए। ऐसे नीच काम करने के लिए एक आदमी है। वकील साहब, उसका कुछ अता पता? ये है उसका पता। थैंक यू। अच्छा, विजय की बहन आपकी बहू है? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। आप चाहते हैं कि आप पर इल्जाम भी ना आए और आपकी बहू आपके रास्ते से भी हट जाए। जी हाँ, और ये सारी बातें हमारे बेटे अनिल को बिल्कुल मालूम नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल मालूम नहीं होनी चाहिए। अब ये हुजूर, ये लीजिए आपकी पेशगी और बाकी काम होने के बाद। कल्याण सिंह जी, ये बताइए कि आप उन दोनों को अलग कैसे करेंगे? मेरा अपना एक स्कूल है, उसका हेडमास्टर से लेकर ड्रिल मास्टर तक जो भी है वो सिर्फ मैं ही हूं। आपने एडवांस दे दिया है, आप बेफिक्र हो जाइए, बहुत जल्द आपका लड़का खुद अपनी बीवी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा।
अब आप जा सकते हैं। जी बहुत अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। आओ। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हे ललुआ, बाहर एक लड़का नौकरी का इंतजार कर रहा है, उसे फौरन अंदर भेजो। आ गया। सर। बहुत दिनों से तुम मुझसे नौकरी मांग रहे हो। जी हाँ सर, जो भी आप मुझे काम देंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। गुड इवनिंग सर, आज रात के खाने में मैं आपको क्या पेश करूं? क्या है? मटन, चिकन, ब्रेन। ओ नहीं, ओके। सी फूड में है सर झींगा, मछली, खेखड़ा। ओके, ये भी नहीं। वेजिटेरियन में है। ओके, तो सर क्या खाएंगे आप? चूहा पकाओ। है? चूहा पकाओ और खुद खाओ। चूहा पकाओ और खुद खाओ, ये पागल इंसान है या शमशान का चमगादड़? साहब, सब दारू की सब दुकानें बंद हो गई हैं। एक बोतल ब्रांडी दे दीजिए दवा की खातिर। क्या लगता है इस बुढ़े के दिन भर गए, ये मर गया? सर मैं आपसे भीख मांगता हूँ, सिर्फ एक बोतल, पूरी नहीं तो आधी ही दे दीजिए। प्लीज आउट, गेट आउट। चित्रा, अब भीख नहीं डंके की चोट पे मांगूंगा, आधी बोतल नहीं पूरा क्रेट लूंगा। अरे बुढ़ा अंदर घुस गया। बास्टर्ड, खूबसूरत है ना फोटो? अरे वाह, बुढ़े ने सही जगह पे चोट की है। थैंक यू बेटा, अब ये देगा मुझे दारू। अरे पगले, मैं तुझको समझ नहीं पाया यार, ये करके रहा है तू। मेरी रानी की फोटो मम्मी, ये मेरी बेटी है। ये मेरी इकलौती बेटी है। अरे यार, ये साला पागल तो बहुत ही पहुंचा हुआ एक्टर है। ओ ससुर जी, फादर इन लॉ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं दूंगा। साले बुड्ढे खबीज, सीधी तरह से आशीरवाद देता है कि नहीं? नहीं तो तेरी ताने तोड़ दूंगा, तरबूज की तरह सर फोड़ दूंगा। ए चित्रा, मेरी शादी का आशीर्वाद दे। दूंगा, लेकिन अगर पूरी बोतल दोगे तो? फादर इन लॉ, पूरी बोतल क्या, मैं तो पूरा का पूरा बार ही आपके मुंह में उड़ेल दूंगा। अच्छा, तो फिर मैं भी अपने आशीर्वाद का फुल ड्रम तुम पे ढकेल दूंगा। दासू। यस बासु। ओके फादर, प्लीज प्लीज। बस बस, इधर ही इधर रखो। बॉस, हाथ दीजिए। कम आउट। आइए अंदर, आइए आइए आइए। तो ये चित्रा का घर है? हाँ यही है, यही है। चित्रा अंदर है? हाँ मैं अभी मिलाता हूँ। मुझे बहुत शर्म आती है, मुझे चित्रा से मिलने में शर्म आती है। शर्म से मैं तो घड़ा जा रहा हूँ, पानी पानी हो रहा हूँ। मुझे बहुत शर्म आती है। इस बेशरम को भी शर्म आती है? अबे तू चीज क्या है, मैं तो समझ नहीं पा रहा यार। दामाद जी, मैं आज ही अपनी बेटी चित्रा की शादी तुमसे तय कर दूंगा। तुम इधर बैठो, मैं चित्रा को लेके आता हूँ। फादर इन लॉ, आपको यकीन है कि चित्रा मुझसे शादी करने के लिए मान जाएगी? अरे मानेगी क्यों नहीं, और अगर नहीं भी मानेगी तो मैं उसको मानने पे मजबूर कर दूंगा। तुम बैठो, मैं लेके आता हूँ। हाय बेटी चित्रा,
मैंने तुझे बताया था ना कि एक भला मानस मुझे मिला है जो बिना मतलब के रोज मुझे मुफ्त की शराब पिलाता है। दरअसल वो इंसान नहीं, देवता है देवता। तेरी शादी तय करने के लिए मैं उसे लाऊं। मतलब अपनी शराब के लिए मुझे बेच रहे हो? तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुमने क्या सोच लिया, तुम किसी ऐरे गहरे को ले आओगे और मैं उससे शादी कर लूंगी? बेटे मेरी बात तो सुनो। मैं नहीं सुनूंगी। इस पगले के दिलो दिमाग पे झटका लगा है। ओ बुढ़े, अब तेरी खैर नहीं। पापा, बरसों से तुम्हारी शराब की लत के लिए मैं सब कुछ सहती रही और तुम्हारी घटिया हरकतों को भी बर्दाश्त करती रही, मगर आज आज तुम इतने गिर गए कि शराब के लिए मुझे बेच डाला। मेरी कमाई के टुकड़ों पर जीने वाले को मेरी शादी के बारे में सोचने का कोई हक नहीं। हक है? मैं तुम्हारा बाप हूँ। अगर बाप होते तो ऐसा नहीं करते। अब ये घर घर नहीं रहा, तुमने इसे एक कोठा बना दिया है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। बेटी चित्रा, चित्रा मेरी बात तो सुनो। बेटा, ऐसा होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। Good, very good, father-in-law. तेरी लड़की खूबसूरत ही नहीं, तेवर वाली भी है। I like it. इनकार करने वाली लड़की को तोड़ मरोड़ कर राजी करने में कुछ और ही नशा है। थ्रिल है, थ्रिल। Father-in-law, I am proud of you. तेरी लड़की की इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई, वो मेरे लिए और मजेदार हो गई। Father-in-law, I am proud of you. अरे यार, तू पागल तो है, मगर किस पागल खाने का है? दासू, कंट्रोल, कंट्रोल। दासू, यस बासू। ये कैसी आवाज आई? चादर नीचे गिर पड़ी। चादर नीचे गिरने से इतनी आवाज थोड़े ही आती है। चादर के अंदर मैं जो हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गई? मेरा घर अब मेरे रहने लायक नहीं रहा, इसीलिए तुम्हारे घर को अपना घर समझकर चली आई। ये ठीक बात नहीं है। देखो, मैं अभी तक कमा रहा हूँ और तुम्हारी इज्जत को खतरा हो सकता है। परवाह नहीं, कोई भी चोर अपने माल की चोरी नहीं करता। बकवास बंद करो, चलो। विजय, विजय प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज सुनो तो। विजय, विजय विजय प्लीज मेरी बात तो सुनो। ठंड लग रही है, बहुत बहुत ठंड लग रही है। दरवाजा खुला है। अब क्या है? भूख लगी है। भूख? बहुत भूख लग रही है। अरे जाओ भाई, रसोई में जाकर खा लो। अब क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है। अरे भाई क्या हो रहा है? लवेरिया हो रहा है। Chim 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 ch
हाय जादूगरी है या तू परी है या है कोई नशा महकी गजल है खिलता कमल है या के हंसी घटा नजर है तुझसा कोई कहा जुल्फे उड़ा के तू जो चले तो झूमे ये आसमां जैसे होंठ है तेरे फूल खिले हैं गालों में आया है इकरार का ये मौसम कितने सालों में महीना चढ़ गया है। चढ़ गया तो क्या करूं उससे कहो कि पैसे नहीं है अगले महीने का भी चढ़ जाएगा तो दोनों महीने का एक साथ उतार देंगे। मैं कह रही हूं बहू मां बनने वाली है। हैं? क्या मां बनने वाली है? हाँ और कल्याण सिंह ने बहू को घर से निकालने का दावा किया था उसने भी कुछ नहीं किया। मैं उसे फोन करूं? नहीं 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 मैंने उसे फोन किया था लेकिन तुम्हें बताना भूल गया। हाँ हाँ
वाली नवेली दुल्हन, उस पर माँ बनने वाली है, ये सब करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये मेरा ही काम है माँ जी। अगर मेरी जगह तेरी माँ होती तो क्या इस हालत में ये काम करने देती? लेकिन हाँ, मैं तेरी माँ कहाँ, मैं तो तेरी सास हूँ। सास बहू के लिए अपना कलेजा भी निकाल कर रखते तो सास सास ही कहलाएगी, माँ तो नहीं। ऐसा मत कहिए माँ जी, अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूंगी अगर मेरी एक बात मानेगी तो। क्यों नहीं मानूंगी, आप कह के तो देखिए। अनिल और तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ जी, और बाहर जाकर खूब घूमो फिरो, खाओ पियो। माँ जी, सुना था ससुराल में सास मिलती है तो ससुराल में माँ भी मिलती है। सुधा तुम यही ठहरो, मैं स्कूटर लेके अच्छा? आता हूँ। एक्सक्यूज मी, कहिए। क्या बता सकते हैं ताजमहल का कौन सा रास्ता जाता है? ताजमहल? जी हाँ। शाहजहां ने ताजमहल को आगरा में बनाया है, यहाँ नहीं। मैं उस ताजमहल के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो उस ताजमहल के बारे में पूछ रहा हूँ जो इस शहर में है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। ओके मैडम, थैंक यू। ओके। कौन था ये आदमी? पता नहीं, कोई पागल लगता है। इस शहर में ताजमहल ढूंढ रहा था। ताजमहल और इस शहर में? मैंने कहा जनाब ताजमहल यहाँ नहीं आगरा में है, तो कहने लगा मुझे उस ताजमहल का पता दीजिए जो इस शहर में है। कोई दीवाना ही होगा, चलो बैठो। पोस्टमैन। भैया। अरे मुन्नी तू अचानक कैसे आ गई? अंदर आना, अंदर आ। भैया मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, आशा करती हूँ कि आप और विशाल भैया भी बहुत खुश होंगे। जानते हो भैया, वो मुझसे बेहद प्यार करते हैं, और माता पिता का प्यार क्या है मैंने अपने सास ससुर से जाना। भैया मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। ये सब तेरे कर्मों का फल है बहन। हाँ भैया, एक खास बात, तुम मामा बनने वाले हो। तुम्हारी सुधा। मैं मामा बनने वाला हूँ? देख मुनि, तुम लोगों से मेरा झगड़ा क्यों ना हो जाए, अपने भांजे को ना मैं ही पालूंगा और तुम लोगों से ज्यादा प्यार करूंगा। हाँ भैया, किससे बातें कर रहे हो? अपनी मुन्नी से। और कि कहाँ चली गई? अभी तो यही बैठी थी। भैया मुन्नी खुद नहीं आई, उसकी चिट्ठी आई है। हाँ चिट्ठी आई है, और मुझे ऐसा लगा कि वो खुद चली आई। ए विशाल, जानता है मुन्नी माँ बनने वाली है, हम दोनों मामा बनेंगे। अरे इसमें रोने की क्या बात है, तुझे तो खुश होना चाहिए। भैया रो मैं नहीं रहा हूं, आप रो रहे हैं। हाँ भगवान कभी कभी इतनी खुशियां एक साथ दे देता है, आंसू रुकते नहीं रहे, छलक ही जाते हैं। अनिल, मैंने पिछले जन्म में जरूर मोतियों का दान किया होगा, इसलिए मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले। और मैं कोई पाप किया होगा इसलिए तुम मिले। तेरी तो। चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है, माँ जी इंतजार कर रही होगी। अरे पगली, माँ ने तो जानबूझकर तुम्हें मेरे साथ भेजा है। ऐसा क्या, तो अब माँ जी की शराफत का ज्यादा फायदा मत उठाइए, चलिए यहाँ से, चलिए। मैं हनीमून आइसक्रीम लेके आता हूँ, उसके बाद चलते हैं। ओके। हेलो मैडम। हेलो, तुम? जी मैं। ताजमहल मिल गया क्या अभी तक ढूंढ रहे हो? थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच।
क्या वो फिर ताजमहल का पता पूछ रहा था? और क्या, वाकई दीवाना लगता है। दीवाना विवाना नहीं, मुझे तो कोई चोर उचक्का लगता है। खैर छोड़ो भी। रामप्रसाद, तुम्हारी बहू की चिता पर लकड़ियां बिछाने का काम पूरा हो गया है। हाँ, अगर तुम उस ताजमहल वाले लड़के का फोटो उसकी चिता पर रख दोगे तो समझ लो उसका अंतिम संस्कार हो गया। वो कैसे? यही तो मेरे स्कूल का स्टाइल है। ये फोटो लो, इसे अपनी बहू की अलमारी में कपड़ों के बीच में रख देना, तुम्हारा बेटा खुद ब खुद इसे देख लेगा। पुराने प्रेमी का बहुत बहुत प्यार। चलिए मैं तैयार हो गई हूँ। अरे ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? जल्दी कीजिए ना, देर हो जाएगी पिक्चर के लिए। अरे आपकी आंखें इतने लाल क्यों? यूं ही आंख में कचरा पड़ गया। लाइए मैं निकाल देती। रहने दो, आंख से कचरा तो निकाला जा सकता है, लेकिन अगर वही कचरा आंख की पुतली को घायल कर दे तो पूरी आंख ही निकालनी पड़ती है। ये आप कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे आज? हाँ खैर छोड़ो। अरे हाँ, कल रात तुम कह रही थी कि तुम मायके जाना चाहती हो। चली जाओ। सच? आप कितने अच्छे हैं। ये क्या कह रहा है तू? बहू ऐसे गुल खिलाएगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे तो क्या तुम अनिल को पागल समझ रही हो जो बहू पे झूठा इल्जाम लगाएगा? इसने अपनी आंखों से उस लड़के को बहू के साथ खुसर फुसर करते देखा है। अब क्या करना चाहिए? अब तो बस उसे फौरन इस घर से भिजवा दीजिए। मैं उसे एक पल भी अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता। आप लोग इतने चुप क्यों हैं? आप समझी, मैं भैया के घर जा रही हूँ इसलिए उदास हो ना। माँ जी, इस दुनिया में शायद ही मेरे जैसी कोई बहू किस्मत वाली होगी जिसे आप जैसी सास मिली। अच्छा माँ जी, चलती हूँ। भैया के घर जा रही हो या अपने प्रेमी के पास? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? खबरदार मुझे माँ कहा तो। कितने दिनों से ये नाटक चल रहा है? माँ जी आप, हमने तुझे अपनी बेटी की तरह सर आंखों पर बिठाया और तूने हमारी ही आंखों में धूल झोंक दी। माँ जी आप क्या कह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ताजमहल का पता पूछने वाला वो लड़का कौन था? मैं नहीं जानती। तो जब भी मुझे तुम्हारी तरफ आते हुए देखता था तो क्यों चला जाता था? मुझे नहीं मालूम। फिर ये फोटो तुम्हारी अलमारी में कैसे आई? मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। अब ज्यादा सती सावित्री बनने का नाटक मत कर, ये सब तेरे शादी से पहले का चक्कर है। और शादी के बाद भी तू उससे मिलती रही, और जब मेरी नजर पड़ी तो फौरन बहाना बना लिया कि वो ताजमहल का पता पूछ रहा था। चली जाए यहाँ से। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। वो आदमी कौन है? उसने मुझसे क्यों बात की? उसकी तस्वीर मेरे अलमारी में कैसे आई? मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती मैं। हम अपने बेटे के हाथों मजबूर हैं, वरना इस घर से तेरी लाश ही निकल पाती। चली जा यहाँ से। आज से तेरा चली जा, कोई रिश्ता नहीं। चली जा। ए, तेरा भाई आ रहा है, अब रोने का नाटक बंद कर। आओ बेटे। आओ बेटे आओ। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। बस 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 बस, तू ठीक है ना? बेटे हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन था कि सुधा के बारे में खुशखबरी सुनते ही तुम फौरन चले आओगे और इसे ले जाओगे। हाँ। बहू की जिद पर हम उसे तुम्हारे घर भेजने ही वाले थे कि तुम खुद ही आ गए। जी जी। अरे ये जीजा बाबू कुछ नाराज से लग रहे हैं। बेटे वो क्या है कि बीवी से अलग होने का काम किसे नहीं होता। बेटी शुभ मुहूर्त के अनुसार तुम्हें अब इस घर से निकलना चाहिए, नहीं तो अशुभ घड़ी की छाया पड़ जाएगी। हाँ
चलती हूँ। ए पगली, ऐसा नहीं कहते। बोलो माँ जी, मैं जल्दी आऊंगी। क्या हुआ? लो देखो भला, लड़कियाँ ससुराल जाते हुए रोती हैं, और ये है कि मायके जाते हुए रो रही है। विदा होते समय रोया नहीं करते, अशुभ होता है। हाँ। अच्छा माँ जी, अच्छा बाबूजी। जीते रहो बेटे। चल। हाँ मुन्नी, चल। सुधा, क्यों रो रही हो? मैं मर जाना चाहती हूँ, नहीं जीना है मुझे। दुनिया की किसी भी समस्या का हल मौत नहीं है। खुद को मिटाने से तो अच्छा है उस समस्या को मिटा दो। मुझे बताओ बात क्या है? मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर ये ताजमहल का पता पूछने वाला अपने आप पैदा नहीं हुआ, उसे जरूर पैदा किया गया है। लेकिन तुम अपने भैया को ये बात क्यों नहीं बताती? मैं जाकर उन्हें बताती। नहीं चित्रा, तुम नहीं जानती, अगर भैया को पता चल गया कि उनकी बहन पे किसी ने उंगली उठाई है तो उस इंसान का गला घोंट देंगे, भले इसके लिए वो फांसी पे क्यों ना चढ़ जाए। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अपने भैया की कलाई पे राखी बांध सकूं? लेकिन सुधा, तुमको इस तरह घुट घुट कर मरते हुए भी तो नहीं देख सकती। चित्रा, मैं तुम्हारी मांग में अपने भैया के नाम का सिंदूर देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं यह जहर ऐसे पीऊंगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सुधा, मुझे वचन दो कि तुम ये बात भैया को कभी नहीं बताओगी, प्लीज चित्रा। ठीक है। अरे अगर भाग्य का लेख लिखना ब्रह्मा का स्कूल है तो उसे उल्टा कर देना मेरा स्कूल है। आप जानते हैं आज क्या हुआ? आई, ये टेलीफोन दाएं कान में लगा रखा है, आवाज बाएं कान से आ रही। साहब, आज हमारी गाय ने अपना दूध खुद ही पी लिया। अरे तेरा सत्यानाश हो, तेरे बाप का सत्यानाश हो, तेरी माँ का सत्यानाश हो। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई तुम्हें नहीं कह रहा, यहाँ मेरे कान को फ्राई करके खाने वाला एक जानवर मौजूद है। हाँ तो बोलो, तुमने फोन क्यों किया है? साहब, हमारे घर के कुत्ते ने 3 बिल्ली के बच्चों को जन्म दिया। तू मेरे कान को कान खजूरे की तरह क्यों खाया जा रहा है? क्या मैं कान खजूरा? अरे भाई तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, हाँ बोलो फोन क्यों किया है? बट बात यह है, आपकी दया से बहू हमेशा के लिए घर छोड़ के चली गई, दूसरी शादी भी पक्की हो गई, तो कहना यह है आपसे कि शादी में जरूर हाजिर होइएगा विदाउट फेल। सॉरी, कल्याण सिंह ने किसी के कल्याण में ना जाने की कसम बचपन में ही खा ली थी। हाँ। हाँ, अगर किसी नए घर में आग लगानी हो तो फोन जरूर करना। हाँ ओके। साहब, हमारे घर की छत के ऊपर कचरा जम गया है। अबे उल्लू के पट्टे, वहाँ कचरा नहीं जमेगा तो और क्या जमेगा? दुनिया भर की बेकार खबरें मेरे कान में सुना सुना कर तूने मेरे कान में खून भर रहा है। देखो साहब, देखो 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 आराम के पीने। विजय बेटा, विजय, विजय बेटा, विजय बेटा। क्या हुआ चाचा? हमारी सुधा बेटी जीते जी मारी जा रही है जी। हाँ, अपने दूल्हे मियाँ दूसरी शादी कर रहे हैं। ये रहा कार्ड, और वक्त की मार तो ये है कि शादी आज ही है। सब हो गया? यार ठीक है, वहाँ सब ठीक है ना? हाँ वहाँ सब ठीक है।
भैया मुझे माफ कर दीजिए। क्यों कर रहे हो ये शादी? तो सुधा ने आपको कुछ नहीं बताया? ससुराल की बुराई मायके में करना हमारे खानदान की रीति नहीं है। तो क्या पति को धोखा देना आपके खानदान की रीत है? क्या किया उसने? उसने मुझे धोखा दिया है। दोष किसका था? आपकी बहन का। सर उठा के बात करो। आपकी बहन ने इस सर को उठाने लायक रखा ही कहाँ है? आपकी बहन वो मेरी बहन थी, आप तुम्हारी पत्नी है। वो मेरी पत्नी नहीं, वो एक बाजारू औरत है। क्या बोला तूने? अगर मेरी बहन के गले में तेरे नाम का मंगलसूत्र ना होता तो मैं तुझे अभी जिंदा जमीन में गाड़ देता। आप चाहे मुझे जमीन में गाड़ दे या मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है वो एकदम सच है। आपकी बहन का किसी आदमी के साथ नाजायज संबंध है। अगर तुम्हें इसकी बात पे यकीन नहीं है तो ये तस्वीर देखो। देखो, यही है वो जिसके साथ तुम्हारी बहन ने अपना मुंह काला किया था। अब आप ही बताइए, क्या मैंने जो कुछ भी किया गलत किया? मैं अपनी बहन के बारे में एक भी गलत लफ्ज नहीं सुन सकता। मैंने खुद अपनी बहन की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया है, लेकिन उसे गलत रास्ते पर चलना नहीं सिखाया। मैं देवी मां से ज्यादा अपनी बहन पर भरोसा करता हूं। फिर भी तुम लोगों की आंखों पर से पर्दा हटाने के लिए मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा। कौन है वो जिसने मेरी बहन के कोरे आंचल पर कीचड़ मारने की कोशिश की है? कौन है जिसने मेरी बहन के सुख के संसार में शक की आग लगाई है? उसके बाद तुम सबके सामने मैं अपनी बहन की लाश उठाऊंगा। क्योंकि उससे पहले अगर तुमने शादी करने की जुर्रत की तो तुम्हारी लाश के पास मटका भी मैं ही फोड़ूंगा, याद रखना। फिकर क्यों करती है रे? तेरे पीछे पहाड़ जैसा भाई जो खड़ा है, उन्होंने तुझ पर शक नहीं किया, मुझ पर शक किया है, मेरी परवरिश पर शक किया है। भैया, मैंने कसम खाई है बहन, जब तक तेरे माथे पर लगे दाग को मिटाकर असली गुनहगार का भाना नहीं फोड़ देता मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। तू सिर्फ हिम्मत से काम ले मुन्ने। भैया, मैंने तेरे पांव पूछकर कन्यादान किया है रे, हरगिज तुझे उजड़ने नहीं दूंगा। ज्योति, एक बात बताओ, तुमने कभी अपने पिताजी से हमारे प्यार का जिक्र किया है? नहीं। क्यों, डरती हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी खुशी में ही मेरे पिताजी की खुशी है। अच्छा, मेरा स्कूल ही मेरे पिताजी का स्कूल है। I see, same school, huh? नायक नहीं। क्यों बंद कर दिया? बकवास बंद कर। छुटके, मैं अपनी बेटी ज्योति के लिए एक
अच्छे घर में रिश्ता तय करने की सोच रहा हूँ। ओ सब ठीक है भैया, लेकिन इसके बीच कोई लड़का ज्योति से प्यार करने लगा तो? अरे ऐसी की तैसी ऐसे लड़की की। हाँ मेरा एक स्कूल है, उस स्कूल में हेडमास्टर से लेकर ड्रिल मास्टर तक जो भी है वो सब कुछ मैं हूँ। उस हरामजादे को मैं कच्चा चबा जाऊंगा। बाप रे बोझाल आ गया, अब अपनी बेहुदा खबरों से ये मेरे कान के पर्दे फाड़ डालेगा, लहू लोहान कर डालेगा। ये साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी। अनिल रे, अब तूने जो भी अपनी सड़ी गली खबरें सुनानी है ना, नहीं सुना था, सुना था। साहब जी, अपनी ज्योति बेबी पार्क में एक लड़के के साथ लपक चपक करे, लपक चपक। वेरी गुड, वेरी गुड। वो इश्क कर रही है, इश्क। वेरी गुड, वेरी गुड। साहब जी वो इश्क कर रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो इश्क कर रही है साहब जी पार्क में। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ ललवे, आज तुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है, अब तू जा 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 जा। सुनते नहीं है। अरे छूट गया, बच गया, बच गया। इस गधे का एक भी शब्द मुझे सुनाई नहीं दिया। इसकी आवाज की चोट से बचने के लिए ये सबसे अच्छा स्कूल है। पापा। अरे बेटी। बेटी कार भिजवा कर तुम कॉलेज से पैदल क्यों आ रही हो? पापा कार से आते जाते मैं बोर हो गई हूँ, इसीलिए आज पैदल आ गई। अच्छा 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 अच्छा। चुटके क्या है? मेरे दुश्मन के छोटे भाई की तस्वीर मेरी बेटी की किताब में क्यों है? किताब में तस्वीर 100% ये लव स्टोरी का चक्कर है भैया। अच्छा तो ये लड़का मेरा स्कूल तोड़ना चाहता है। हेलो। हेलो कल्याण जी, मैं शांति बोल रही हूँ। हाँ समझ गया, पर तुम इतनी घबराई क्यों हो? अभी उस स्टूडियो वाले का फोन आया था, उसने कहा कि विजय उस ताजमहल वाले लड़के को बुरी तरह से ढूंढ रहा है। अच्छा वो स्टूडियो वाले ने कुछ बताया तो नहीं? नहीं उसने बताया तो नहीं, लेकिन विजय उसे छोड़ेगा नहीं। उस लड़के को शहर से दूर भेज दो, अगर वो विजय के हाथ लग गया ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तुम घबराओ मत, मैं उसे अभी दूर, बहुत दूर भेज दूंगा। ए, देख यही है वो। पता चला मैंने तुझे क्यों पीटा? बता तू इससे बार बार ताजमहल का पता क्यों पूछता था, और तेरी फोटो मेरी बहन की अलमारी में कैसे आई? मेरी फोटो और इनकी अलमारी में? अबे किसी की दुनिया उजाड़ने के बाद मासूम बनने का नाटक कर रहा हरामजादे। बता ये सब क्यों किया, वरना तुझे अभी और इसी वक्त जमीन में गाड़ दूंगा। बता। देखिए मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, पहले मेरी बात तो सुनिए प्लीज। नौकरी के लिए गली गली भटकने वाले मुझको एक दिन एक साहब ने नौकरी तो नहीं दी, एक काम जरूर दिया। इस जोड़े को अच्छी तरह से पहचान लो, जब भी ये घर से बाहर जाएंगे हम तुम्हें खबर कर देंगे। तुम्हें छुपकर इनका पीछा करना होगा। ये लड़की चाहे दो मिनट के लिए ही इससे अलग हो, तुम्हें जाकर सिर्फ इससे इतना पूछना होगा कि ताजमहल को कौन सा रास्ता जाता है। जी सर, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था
कि मेरी जरूरत किसी की जिंदगी बर्बाद कर देगी। कौन था वो जलील जिसने तुझसे ये काम करवाया? कल्याण सिंह। विशाल, ये सब क्या है? भैया, ज्योति के बाप ने मुझे गुंडों से पिटवाया। और तो हाथ बांधे खड़ा रहा, ये ज्योति कौन है? मैं और ज्योति एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ज्योति के बाप का नाम क्या है? कल्याण सिंह। शुक्र कर उसका जान नहीं लिया, थप्पा लगाकर पार्सल कर दिया। अबे ओ, चल फोट, नहीं तो तेरे को भी देख लेंगे क्या? ए, सवाल नहीं, सवाल मैं करूंगा और जवाब तुम लोग दोगे। तुम लोग ही कल्याण सिंह के टट्टू हो ना, जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा था। नायक नहीं खल। अरे ये क्या भैया, इतनी सारी बोरियां? आपने स्कूल बंद करके राशन का दुकान खोल दिया क्या? बकवास बंद कर, देख तो क्या है। हाँ देखता हूँ। कौन है बेटो? अरे भैया, ये तो तुम्हारे स्कूल के विद्यार्थी है। किसने की इनकी की हालत? किसने की? मैंने। भैया मैं जरा, और मैं वो तूफान हूं जो तुम्हारी सोने की लंका को तहस नहस कर डालेगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। गलती मैंने नहीं, तुमने की है, जो शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। मैं चाहूं तो तुम्हारे जिस्म को काटकर चील कौओं को खिला दूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हें वैसे ही मिटाऊंगा जिस तरह तुमने मुझे मिटाने की कोशिश की है। अच्छा, इसमें कसूर किसका है? तुम्हारा कसूर नंबर वन। मेरी बहन जो अपने पति के घर सुख से रह रही थी, तुमने उसके घर में आग लगा दी। उसके पवित्र दमन पर दाग लगाकर उसको घर से बेघर कर दिया तुमने। कसूर नंबर दो, मेरा भाई जो तुम्हारी बेटी से प्यार करता है, तुमने अपने आदमियों से उसे जानवर की तरह पीटा, फिर बोरी में डालकर मेरे पास भेजा। इसका जवाब है एक के बदले छह बोरियां। नहीं, ये मेरे बदले का जवाब नहीं है। मेरा बदला तो 20 साल पुराना एक घाव है जो तुमने और तुम्हारे बाप ने मेरे खानदान को दिया था।
याद है तुम बाप बेटे ने मिलकर मेरे बाप के गले में कानून के फांसी का फंदा डाल दिया था। तुम लोगों की वजह से मेरी जिंदगी का रुख बदल गया। मैंने मौत के मुंह में जाते वक्त अपने बाप को यह वचन दिया था कि मैं तुम्हारे खानदान को कभी चैन से रहने नहीं दूंगा। तुम्हें जीने तो दूंगा लेकिन तुम्हारी जिंदगी जीने के काबिल नहीं होगी। फिर अचानक मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी जान तो तुम्हारी बहन और तुम्हारे भाई में अटकी हुई है। अगर उन्हें मार दिया जाए तो तुम तो बिना मारे ही मर जाओगे। इसलिए सबसे पहले मैंने तुम्हारी बहन की जिंदगी से उसकी खुशियों को नोच लिया और फिर तुम्हारे भाई के होंठों से उसकी मुस्कुराहट को छीन लिया। तुम लोगों के जख्मों को देखकर बहुत सुकून मिलता है मुझे, बहुत शांति मिलती है मुझे, और उसी शांति के लिए मैं तुम लोगों को हमेशा जख्म देता रहूंगा और फिर अपने पतले के नाखूनों से उन्हें खुरेच खुरेच कर उन्हें लहूलुहान करता रहूंगा। बस कल्याण सिंह, अगर तुझे याद है कि तेरे बाप को क्यों और कैसे सजा मिली थी तो तू भी अपने गुनाह गिनना शुरू कर दे, क्योंकि मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं कि मैं अपनी हर बिगड़ी को तेरे ही हाथों से संवारने पर तुझे मजबूर कर दूंगा। तुम मेरे स्कूल को नहीं जानते हो। मेरे स्कूल का नाम है राहु केतु विद्यालय। बड़ा खतरनाक स्कूल है ये। यहां कुछ भी सीधा नहीं होता, सब उल्टा ही उल्टा पड़ता है। मैं रिश्ते तोड़ता हूं, जोड़ता नहीं हूं। इसलिए अब ना तो तेरे भाई की शादी मेरी बेटी से होगी और ना ही अब तेरी बहन का घर फिर से बसेगा। बसेगा कल्याण सिंह, बसेगा। मेरी बहन का घर भी बसेगा और तेरी बेटी की शादी भी मेरे भाई से ही होगी। मैं तेरी आंखों के सामने मंगलसूत्र पहनवाऊंगा और तेरे ही हाथों से उन्हें आशीर्वाद भी दिलवाऊंगा। शायद तुम्हें मेरे हरामी स्कूल का अंदाजा नहीं है। तू अपना यह हरामी स्कूल चलाता रहे, क्योंकि जिस दिन मैं अपना स्कूल खोलूंगा ना, तेरा यह स्कूल बंद हो जाएगा और यह मेरा चैलेंज है। हेलो, होशियार हो जाओ कल्याण सिंह, तुम्हारी तबाही का खेल शुरू हो गया है। कौन बोल रहा है? तुम्हारा दुश्मन विजय। फोन क्यों किया है? तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा स्कूल छोड़कर मेरे स्कूल में भर्ती हो गई है। क्या? यकीन नहीं तो नेशनल पार्क में खुद अपनी आंखों से देख लो। चाहत की हुई बरसात के सारी रात भीगते रहे, के सारी रात भीगते रहे। जब दिल तरसे बादल बरसे, चाहत की हुई बरसात के सारी रात भीगते रहे, के सारी रात भीगते रहे। ठंडी ठंडी पुरवाई ऐसी अगन लगाई रहे, बस में नहीं दुआ के सारी रात भीगते रहे, के सारी रात भीगते रहे। जब दिल तरसे बादल
खबरदार जो आज के बाद तुम उस लड़के से मिली तो। मिलूंगी, जरूर मिलूंगी। क्या कर लेंगे आप? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो मारते क्यों नहीं? आगे बढ़िए, खोद दीजिए मेरा गला। बेटी, बेटी तुम समझती क्यों नहीं हो? वो अच्छा लड़का नहीं है, जुआरी है, शराबी है। ये झूठ है। मैं विशाल को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो एक अच्छा इंसान है। हो सकता है वो एक अच्छा इंसान हो, लेकिन उसका खानदान अच्छा नहीं है। वो मेरे दुश्मन का बेटा है, उसका बाप मेरे बाप का कातिल है। मेरा बेगुनाह बाप उसी के बाप की वजह से मारा गया था। आपके पिताजी को मारा था कानून ने, विशाल के डैडी ने नहीं। कानून ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था क्योंकि वे खूनी थे। मुझे खुशी है मैंने उस घर से रिश्ता जोड़ा है जिनकी रगों में ईमानदारी और वफादारी का खून बह रहा है। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विशाल से, वरना जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी। रख दिया। आप खाएगी? तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता पक्का समझू ना? अगर आपको हमारी शर्त मंजूर हो तो। हाँ, मुझे आपकी सब शर्तें मंजूर है, यहाँ तक कि अगर आप बारात को कल भी लाना चाहें तो वो भी मुझे मंजूर है। लेकिन आपको शादी कितनी जल्दी क्यों है? वो क्या है कि लड़की तो पराया धन होती है ना, जितनी जल्दी उसे सौंप दिया जाए उतना ही अच्छा होता है। जैसी आपकी मर्जी। क्या चुटकी? उधर देखो। क्या है भैया? ये क्या है? तुझे इतना सच धज के इन सुहागन औरतों के साथ यहाँ क्यों आ रहा है? लगता है इसके स्कूल का यही तरीका है। ये क्या, अपने वॉचमैन के बच्चा उसे सैल्यूट भी कर रहा है? बोल रहा हूँ अपना स्कूल बंद करके मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाओ। चुप, दबा हो जाओ यहाँ से। थैंक यू भैया। नमस्कार 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 नमस्कार। यहाँ क्यों आए हो? रिश्ता जोड़ने के लिए। अच्छा, क्यों टक्कर लेने की हिम्मत नहीं रही क्या? कल्याण जी, आप जानते हैं कि आपकी बेटी ज्योति और मेरा भाई विशाल एक दूसरे से प्यार करते हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे भाई का बेटा मेरे ही घर में जन्म ले, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी शादी से पहले। अच्छा, झूठ। अब पता चला शादी कितनी जल्दी क्यों थी आपको? मेरी बात तो सुनिए प्लीज। अरे मेरी बात तो सुनिए। बेटे के लिए प्रार्थना करना, बेटे के लिए। मेरी बात तो सुनिए प्लीज। कल्याण सिंह जी, भलाई तो इसी में है, क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे भाई के साथ मंजूर कर दी? शट अप, मैं ये शादी कभी मंजूर नहीं करूंगा। हाँ, मंजूर तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना स्कूल खोल दिया है, और आज जो सबक पढ़ाया है उसका नतीजा आप अपनी आंखों से देख चुके हैं। बेहतर तो यह होगा कि आप अपना स्कूल बंद कर दीजिए और इस स्कूल में भर्ती हो जाइए, वरना आगे बहुत पछतावा होगा। भैया भैया, मैं अभी भी बोलता हूं अपना स्कूल बंद कर दो। पता नहीं साले का कौन सा स्कूल है। लगता है तुम्हारा स्कूल उससे जीत नहीं सकता। तो फिर और कौन जीत सकता है? पुराने पापियों की पाठशाला, वही बुढ़े खड़ूस उस्ताद लोग ही तुम्हें उस विजय पर विजय दिला सकते हैं। अच्छा, तू उनका अता पता जानता है? ये ग्रेट खलनायक हर खलनायक का अड्डा और खड्डा सब जानता है। फॉलो माई इंस्टीट्यूट। अरे भाई, ये कहाँ आया तू? किसका घर है ये? ये हमारे खलनायकों के ट्रस्टी है, केन सिंह साहब, मशहूर खलनायक, बकवास बॉन। अच्छा अच्छा, वो केन सिंह साहब जिन्होंने बड़ी बड़ी पिक्चरों में देवानंद, अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप कुमार की छुट्टी कर दी, और प्रेम चोपड़ा की बहुत सी पिक्चरों में बॉस बने रहे। कहाँ वो? नमस्कार केन सिंह साहब। नमस्कार। नमस्कार। मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकता हूँ? बैठ सकते हैं? हाँ बैठिए, बैठिए। सिंह साहब, दरअसल बात ये है कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। एक शख्स है, उसका नाम है विजय। आपने हमको साला बहुत बड़ा हीरो समझता है। आपने तो बड़ी बड़ी फिल्मों में खलनायक यानी कि विलन का रोल किया है,
बड़े बड़े हीरोज के छक्के छोड़ा दिए। बड़ा नाम है आपका फिल्म इंडस्ट्री में, सारी दुनिया आपको जानती है। मैं चाहता हूँ क्या मुझे कोई ऐसा पैंतरा बताए, ऐसा पैंतरा बताए कि मैं उस साले हीरो को हीरो से जीरो बना डालूं। बस भाई तरीके तो बहुत है। लेकिन एक बहुत ही आसान तरीका मैंने एक फिल्म में इस्तेमाल किया। अच्छा, कौन सा तरीका है वो? वो उसकी जो जीप है उसके पहियों के नट बोल्ट निकाल दो, अपने आप मर जाएगा। अरे बड़े ग्रेट आइडिया। चलो चलो चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। बोला था ना मेरा सुन ले। बेवकूफ लोग। चलाने का नहीं। उसकी जो जीप है उसके पहियों के नट बोल्ट निकाल दो, अपने आप मर जाएगा। ये तो ऑटो है, जीप का है, गलती किया मैंने, गलती किया रे। बच गया। नायक नहीं खले नायक हूँ मैं, नायक नहीं खले नायक हूँ। क्या बात है चुटकी, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। तो फिर क्या? नट निकाल दिया ना? हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आज उस विजय के बच्चे की जिंदगी खत्म। नहीं तो क्या, अपने आप को नायक समझता था लेकिन मैं खलनायक हूँ, खलनायक। लेकिन फिक्र इस बात की है आप मेरी कभी कदर नहीं करते हैं। अरे तो ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार दिया है तूने? तीर नहीं तोप मारा है, तोप। हाँ आप बड़े अपने आप को समझते थे, आपको ये भी नहीं मालूम कि विजय के पास ऑटो रिक्शा है, जीप है ही नहीं। तो तूने नट किसका निकाला? जीप का, आपने तो कहा था। पर कौन सी जीप का? अपने ही जीप का। पर सिंह साहब आपको वो नट बोल्ट वाला जो पैंतरा था वो तो फेल हो गया। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बाल बाल बच गए। ये मेरा पैतरा फेल नहीं हुआ है, तुम्हारा बेवकूफ भाई फेल हुआ है। ये तो पैदाइशी बेवकूफ है। मालूम है, मालूम है। आप मुझे कोई दूसरा पैतरा बताइए। वो जो कबख्त विजय है ना, उसका भाई हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। अगर दोनों ने शादी कर ली ना तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। तुम एक काम करो। जी। एक पिक्चर में मैं भी ऐसी विपता में फंस गया था। मैं उसमें बहुत रईस आदमी था और मेरी बेटी एक गरीब निकम्मे आदमी से शादी करने पर तुली हुई थी। तो मैंने सोचा क्या करें, दूर गांव में एक मेरे रिश्तेदार थे, मैं वहां गया और अपनी बेटी को साथ ले गया और वहां जाकर उसकी शादी कर दी। तुम भी यही करो। वेरी गुड, इससे अच्छा आइडिया तो हो ही नहीं सकता। अच्छा सिंह साहब, शुक्रिया, शुक्रिया सिंह साहब। चलो, विलन के आइडियाज तो एक्सेलेंट होते ही है, लेकिन आखिर में जीतता कौन है? हीरो जयजयकार उसी की होती है। ये बेवकूफ लोग ये समझते क्यों नहीं? हे मेरे दादा, मेरी ज्योति बेबी। अरे मैं ज्योति का रिश्ता तय करने के लिए एक दिन के लिए गांव क्या गया, सब के सब अपनी मर्जी के बादशाह हो गए। ज्योति कब गई, कहां गई, कब आएगी, किसी को पता नहीं। आप खाम का चिंता कर रहे हो भैया जी, ज्योति आने के बाद सब कुछ बता देगी। ज्योति आने के बाद खुद बता देगी। नारायण नालायक नहीं खलनायक हूं मैं। साहब जी। ओ ये कबख्त उल्लू का पट्टा फिर आ गया। आगे मेरा दिमाग वैसे ही ज्योति के बारे में सोच सोच कर फटा जा रहा है। ये मेरे कान में चिल्ला चिल्ला के मेरे कान के पर्दे फाड़ देगा। साहब जी। हाँ हाँ, मैं तेरी खबरें सुनने के लिए तैयार हूँ। बोल 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 बोल। साहब जी, आपकी बेटी राम मंदिर में शादी करेगी। हाँ, ज्योति का कुछ पता नहीं चला। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो शादी करेगी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब तू जा 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 जा। शुक्रिया, मैंने इसका एक लफ्ज़ भी नहीं। बात तो सुनो साहब जी, आपकी बेटी राम मंदिर में शादी। मैं बच गया, मुझे बहुत काम है। नायक नहीं खल, मैं नहीं जाऊंगा। साहब जी जल्दी करो, बंद करो ये नाटक, ये शादी नहीं होगी। अरे मंगलसूत्र डालो, चलो आइए आइए। देख क्या रहे हो, दफन कर दो इन हरामजादों को यहीं पर।
और ये क्या कर रहे हो सालो? मेरा ही नमक खाकर मेरे ही दुश्मन को सल्यूट कर रहे हो? तुम लोग बेशक डर जाओ, मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। हाँ, अब समझ में आया कल्याण सिंह, मेरा स्कूल, मैंने तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को अपनी बहू बनाया। मेरे भाई ने अपने हाथों से उसके गले में मंगलसूत्र डाला, अब मैं तेरे ही हाथों से अपनी बहन का उजड़ा हुआ घर बसाऊंगा। लेकिन तब तक मैं क्या करूंगा, किस किस स्कूल के दांव पेच तेरे पे इस्तेमाल करूंगा, ये तेरी समझ में नहीं आएगा। तू सिर्फ उल्लू की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहेगा। क्या विजय, तुम्हारा इरादा क्या है? कुछ मुझे भी तो पता चले कि तुम करना क्या चाहते हो। तुमने अपने छोटे भाई की भी शादी करा दी, उसका घर बसा दिया, कुछ मेरे बारे में भी सोचा है तुमने? अरे ऐसे क्या देख रहे हो, इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने बैठी है और तुम ऐसे। Oh, 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 oh.
माय डियर फादर इन लॉ, हिंदुस्तान में तो लोग अपने दामाद के घर का पानी भी नहीं पीते, और तू अपनी बेटी की जलेबी दिखा के पूरा का पूरा समंदर पी गया। मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूं, मेरी शादी तेरी बेटी के साथ होगी या नहीं? दादाजी, मेरी बेटी पहले मोम की थी, लेकिन अब वो पत्थर की हो चुकी है। फादर इन लॉ, मैं वो बला हूं जो पत्थर को भी मोम बना देता है। मैं तेरी बेटी के साथ शादी भी रचाऊंगा और उसकी मांग में सिंदूर भी भरूंगा। लेकिन मेरी बेटी तो कब से वो ऑटो वाले विजय की हो चुकी है। विजय, ये विजय कौन है? वो तो एक ऑटो ड्राइवर है और मेरी बेटी उससे प्यार करती है। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बोला? पहले क्यों नहीं बोला? लगता है इस बुड्ढे का मामला खत्म। ये गया। लैला भी मजनू की हो चुकी थी, मिली मजनू को? नहीं, हीर भी रांझा की हो चुकी थी, मिली रांझा को? चित्रा भी विजय की हो चुकी है, मिलेगी विजय को? नहीं। बनने वाली हूँ, बहुत जल्द मुझे इनसे मिलवाओगे ना? हाँ, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? अभी तो सिर्फ हाथ उठाया है, ज्यादा बात करोगी ना तो चांद से मार दूंगा तुम्हें। भैया, ये क्या कर रहे हो भैया? सुधा, तुम बीच में मत बोलो, तुम जानती हो इसने क्या किया है? हाँ बोलो, क्या किया है मैंने? जो तुमने किया है वो मैं यहाँ नहीं तुम्हारे बाप के पास जाकर बताऊंगा। चलो। मिस्टर विजय जी। डॉक्टर, एक घंटे के अंदर आपकी बहन का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन तो जल्दी कीजिए ना डॉक्टर, केस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हो सकता है। क्या हो सकता है डॉक्टर? बच्चे के जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन मां के बारे में कुछ कह नहीं सकता। चांसेस आर 50-50। डॉक्टर साहब कह रहे थे डरने की कोई बात नहीं। नहीं भैया, मैंने डॉक्टर की सारी बातें सुन ली हैं। मैं उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ भैया, उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। उनसे एक बार मिलाओगे ना भैया, एक बार? हाँ सुधा, तू फिक्र मत कर, मैं अनिल को अभी लेकर आता हूँ। डॉक्टर। यस। विजय कहाँ है? अभी अभी अपनी बहन को एडमिट करके गया है। बहन? हाँ, उसकी डिलीवरी होने वाली है, सीरियस है, ऑपरेशन होने वाला है। उस रूम में। थैंक यू डॉक्टर। चीफ सर्जन भीमा।
ले चलो इन्हें, लेट्स गो फॉर ऑपरेशन। कौन हो तुम, ये क्या कर रहे हो? डॉक्टर विजय आए तो उससे कह देना कि चित्रा को लेके मेरे पास आ जाए, नहीं तो उसकी बहन का ऑपरेशन मैं कर दूंगा, ठीक है? Let's go. नहीं, मुझे यहाँ से मत ले जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। सर में दर्द होता है। चुप। संभालो अपनी बेटी को, आज से तुम्हारी बेटी का और मेरा कोई रिश्ता नहीं, जा रहा हूं मैं। अरे दामाजी, दामाजी, एक मिनट, क्या हुआ क्या? देखो कल्याण सिंह, जिस तरह तुम एक नंबर के गुंडे हो, हा? उसी तरह तुम्हारी बेटी एक नंबर की बाजारू औरत है। चलो चलो, मैं मानता हूं कि मैं गुंडा हूं, लेकिन मेरी बेटी तो अच्छी है, आखिर हुआ क्या है? ये सवाल मुझसे नहीं कल्याण सिंह, अपनी बेटी से करो, वही तुम्हें बताएगी। देख बेटी, मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने ये शादी कर दी क्योंकि तू इससे प्यार करती थी। अब हुआ क्या है? पापा, इनको शक है कि मैं किसी और से प्यार। नहीं, नहीं बेटी, अरे मेरी बेटी तो अग्नि की तरह पवित्र है, लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ? पापा, एक दिन हम दोनों मंदिर गए थे, जब मैं अकेली थी, एक लड़के ने आकर मुझसे ताजमहल का रास्ता पूछा। ताजमहल? हाँ, तो क्या हुआ? हो सकता है उसे ताजमहल का रास्ता नहीं पता था, इसलिए पूछा होगा। ऐसे एक बार नहीं हुआ, दो तीन बार हुआ। तो फिर क्या हुआ? सचमुच उसे ताजमहल का रास्ता मालूम नहीं होगा? फिर उस ताजमहल वाले लड़के की फोटो मेरी अलमारी में मिली पापा। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि तुम्हारी बेटी के उस लड़के के साथ में नाजायज ताल्लुकात थे। सब समझ गया हूं, ये सारा नाटक तुम्हारे भाई का है। मेरे भाई का? हाँ, नहले पे दहला मारने के लिए। देखो कल्याण सिंह, मेरे भाई को बीच में मत लाओ, और फिर मेरा भैया ऐसा क्यों करेंगे? बदला। बदला? हाँ। कैसा बदला? हाँ? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नहीं बता सकते? हाँ। ठीक है,
मैं जा रहा हूं। नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, मेरी बात तो सुनिए। देखिए मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक वादा करना होगा आपको। मेरे गुनाहों की सजा मेरी बेटी को नहीं दोगे? हाँ ठीक है ठीक, वादा किया। दरअसल मैं ही वो कमीना कुत्ता इंसान हूं जिसने तुम्हारी भोली भाली बहन की जिंदगी में जहर घोल दिया। वो ताजमहल वाला लड़का और कोई नहीं था, मेरा ही आदमी था। मैंने ही उससे कहा था कि वो बार बार तुम्हारी बहन से ताजमहल का रास्ता पूछे ताकि अनिल को उस पर शक हो जाए। अनिल के शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने ही उसकी फोटो तुम्हारी बहन की अलमारी में रखवाई थी। जैसे ही अनिल ने उस फोटो को देखा वो गुस्से से पागल हो गया और उसने तुम्हारी बहन को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कल्याण सिंह कि मैं तुम्हारे स्कूल में घुसकर अपनी बहन के आंचल में लगे दाग को तुमसे ही मिटवाऊंगा। कैसा रहा मेरा स्कूल? अब तुम अपना यह घटिया स्कूल बंद करके मेरे स्कूल में भर्ती हो जाओ। अच्छा अच्छा, तो मेरी बेटी पर शक करना, इसे घर से बाहर निकालना, ये सब तुम लोगों का नाटक था? ये फरेब है, धोखा है। धोखा फरेब तो तूने किया है मेरे साथ। मेरी देवी जैसी पत्नी के खिलाफ मेरे दिल में शक का जहर फैलाकर अपनी अपनी मक्कारी और खुदगर्जी के लिए तू मेरी जिंदगी से खेल गया। लानत है तुझ पर। बेटे अनिल, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन इसमें इसमें तेरे मां बाप भी तो शामिल हैं। आपने ऐसा किया, मुझे शर्म आती है आपको अपना मां बाप कहते हुए। बेटे आज से आपका मेरा रिश्ता टूट गया, मेरा और आपका रिश्ता। बेटे विजय बेटा, ये क्या हो गया चाचा? इसकी फिक्र मत करो, बीमा अस्पताल से सुधा को उठा कर ले गया है और उसे ये भी कहा है अगर तूने चित्रा को उसके हवाले नहीं किया तो वो सुधा को जान से मार देगा। ऊपर मत जाओ, मैं कभी बस ना को मार देगा, इसलिए हम अंदर नहीं गए। चित्रा महारथे, अच्छा हुआ जो तुम चित्रा को साथ में ले आए। चित्रा को ऊपर लाओ, ऊपर, जल्दी नहीं तो मैं ये रस्सा काट दूंगा। नहीं, चित्रा, आई लव यू।
छोड़ना नहीं मुन्नी, छोड़ना Chitra! Chitra! I love you, Chitra!